ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई हैं और पिताजी नहीं है तो उनके बाद मैं उन्हें पिता की तरह समझता हूँ। उनका पारिवारिक आशीर्वाद लेने गया था, बड़े भाई का आशीर्वाद लेने गया था। राजनीति अलग चीज़ है, मैंने कई बार ये बातें कही हैं। मैं सब परिवार में था, हम इकट्ठे थे, चाय भी इकट्ठी भी सब किया उनसे एक पारिवारिक। राजनीतिक आशीर्वाद उनका अपने तरीके का होता है, मैं उनसे पारिवारिक आशीर्वाद बड़े भाई के नाते, वो मेरे पिता के समान है, मैं उनसे मिलने गया। सब इन्हें लोग देखिए, उनका फैसला भी बहुत बातें हैं, क्योंकि मेन मकसद जो सबका सामने है वो कांग्रेस और बीजेपी को हराने का है। अब उसमें वो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये उनका नजरिया है, मैं तो हर एक एक वोटर का समर्थन मांगूंगा, मुझे करना भी चाहिए। परसों रात को 10:30 बजे मेरा टिकट कटने का अनाउंस हुआ। वर्कर बहुत डिप्रेशन में था कि रणजीत सिंह की सरसा में रणजीत सिंह की टिकट नहीं, कांग्रेस को जिंदा वो रखता। आपने देखा 50,000 की भीड़ में करता हूँ, कोई नहीं करता। वर्करों में बड़ा रोष था, रात को ये था कि कैंसिल हो गया, रणजीत सिंह फाइल ही नहीं करेंगे। पर पोस्ट डली सब 10,000 से ज़्यादा वर्कर सब, आपने देखा रिकॉर्डेड है कल का, 10,000 वर्कर इकट्ठा हो। मैंने कहा भी तुम बताओ मैं राजनीति छोड़ दूँ, तो वर्कर कहने के नहीं रणजीत सिंह कांग्रेस ने मारा ना, हम जिंदा करेंगे, चिंता ना कर, हम तेरे साथ हैं, सब साफ कर देंगे। और वर्कर ने कहा कि तुम क्या किस बात से कैसा फैसला करो, कहते आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो। इन्हें लोग कैसे करेंगे? टिकट कटने की वजह कही रही है, अब उन पर क्यों हम के गड़े हुए मुर्दे क्यों बाहर निकालें? देखिए वहाँ कांग्रेस में पैसा बहुत चला है, सबको पता था कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही, और उसके बाद हर आदमी पैसा बनाने में लगा था। मैं हाईकमांड के किसी आदमी को ना ऊपर से लेकर नीचे तक पैसे लिए गए हैं, किसी ने 50 लाख लिए, किसी ने 2 करोड़ लिए, सब ने टिकटें बिकी है। और जो गुड़गांव और फरीदाबाद की टिकट तो मैक्सिमम रुपया बटा है, बहुत मोटा पैसा उन पर गया है।